हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल किचन स्कोप में एक नए वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके साथ चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो कि एक परफेक्ट पार्टी स्टार्टर रेसिपी है। तो चिकन सीख कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है। मैं यहाँ पे थाई बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे चिकन ब्रेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे से वॉश कर लेना है और मैंने इसे इस तरह से टिश्यू के ऊपर रखा है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाए। अगर इसमें ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो जब हम इसे स्कीवर पर लगाएंगे तो ये अच्छे से स्टिक नहीं होगा और नीचे टूट कर गिरने लगेगा, इसलिए इसका मॉइस्चर हटना यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है। आप चाहें तो जो रेडीमेड मिन्स चिकन मिलता है आप उसका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इस बोनलेस चिकन को मिक्सर जार में डाल के इसे अच्छे से मिन्स कर लूँगी। अब कबाब के लिए हमें एक मसाला रेडी करना है। यहाँ पे मिक्सर जार में मैंने एक छोटे से अनियन को डाइस करके इसमें डाला है। फिर इसमें जाएगा 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियां, 2 से 3 हरी मिर्च। आप हरी मिर्च का इस्तेमाल अपने स्वाद के हिसाब से कीजिए। आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसको देख के आप इसमें हरी मिर्च डालिए। फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा पुदीने का पत्ता और धनिया पत्ता। अब इसे हमें बस थोड़ा सा ही ग्राइंड करना है ताकि ये एक दरदरा मिक्सचर इसका रेडी हो। तो ये देख सकते हैं इस तरह का टेक्सचर रहना चाहिए इस मसाले का। फिर यहाँ पे इससे हम एक मसलिन क्लॉथ के हेल्प से इसका जो मॉइस्चर है अच्छे से इसे स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसका मॉइस्चर निकाल लेना है। अब यहाँ पे ये जो मिन्स चिकन है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इतना ही स्मूथ रहना चाहिए इस चिकन का टेक्सचर। फिर इसके ऊपर हमने जो मसाला प्रिपेयर किया था उसको ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 1 छोटा चम्मच घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे कबाब का मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसमें अब हम हल्का सा स्मोकी फ्लेवर देंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक जला हुआ कोयला लिया है जिसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे। आप चाहें तो आप बटर भी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास कोयला नहीं है तो आप एक दालचीनी के टुकड़े को जलाकर उससे भी इसमें स्मोक दे सकते हैं। दालचीनी के टुकड़े को जला लीजिए, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दीजिए और इसी तरह से उसे कवर कर लीजिए। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक छोटे से बाउल में थोड़ा सा पानी ले लेंगे, हाथ को अच्छे से गीला कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे जो कबाब का मिक्सचर है वो हाथ में लेंगे और इसे धीरे से स्क्यूअर में डालेंगे और इस तरह से हल्के हाथ से इसे स्प्रेड करेंगे। ध्यान रखिए जब आप कबाब को स्प्रेड कर रहे हैं हाथ से आप अपने सिर्फ इन्हीं 3 उंगलियों का इस्तेमाल करें, आपका थंब, आपका मिडिल फिंगर और आपका रिंग फिंगर। हाथ को बीच बीच में गीला करके इसे हम स्प्रेड करेंगे ताकि ये हमारे हाथ में ना चिपके और स्क्यूअर के ऊपर अच्छे से फिक्स हो जाए। अब इसी तरह से हमें बाकी के जो सीख कबाब हैं वो भी लगा लेने हैं। तो अब यहाँ पे हम तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर ग्रेस कर लेंगे। और इसमें एक एक करके कबाब के स्टिक्स को डालेंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है जब तक ये चारों तरफ से कुक ना हो जाए और इसका कलर हल्का गोल्डन ना हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पे ये कबाब एक साइड से पक चुके हैं। अब इसे हम धीरे धीरे से इस तरह से रोटेट कर लेंगे और इसे चारों तरफ से पका लेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे चिकन सीख कबाब बनकर रेडी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे गरम गरम हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। आप इसके साथ में अनियन को रिंग शेप में काट कर सर्व कर सकते हैं। इसमें हल्का सा चटपटा टेस्ट ऐड करने के लिए
इसके ऊपर हम थोड़ा सा नींबू का रस स्क्वीज करके डाल देंगे। तो इस डिश को आप घर पे एक बार जरूर ट्राई कीजिए, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बताना ना भूलें।